you're watching Expose India. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट की बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा उपस्थित रहे, जिसमें योगी सरकार के अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। बैठक में चर्चा के बाद कैबिनेट के कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। उच्च न्यायालय के जो जजेस हैं, उनके जो कर्मचारी हैं या रजिस्ट्रार ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए आवास योजना है और ये आवास योजना ग्राम देवघाट झलवा तहसील सदर इलाहाबाद में प्रस्तावित न्याय ग्राम टाउनशिप के निर्माण पर आज मंत्री परिषद ने इसको अनुमोदित किया है। भूमि की उर्वरता को अक्षुण बनाए रखते हुए अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने के दृष्टिकोण एवं रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव से बचने, भूमि में कार्बन नत्रजन अनुपात को बढ़ाने, कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के प्रत्येक आबाद राजस्व ग्राम में एक इकाई प्रतिवर्ष स्थापित कराए जाने की योजना स्वीकृत की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में वर्णित तहसील स्तरीय समेकित गांव के गठन के संबंध में प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।